ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਅੰਜੀਰ ਇਹ ਖਾਓ ਆਪ ਇਸਕੋ ਐਸੇ ਖਾਏਂਗੇ ਆਪਕਾ ਜੋ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰੇ ਪਈ लालच करते हुए बहुत मीठी है बहुत मीठी आप जितना झूठ बोले उससे भी ज्यादा मीठी है साची बोलोगे अगे कदे जाना है भाई साढ़े पिंड दियां जीरां खान दे आजे आइए खाया करो ताजियां ताज़ियाँ नाजरीन हम इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पर हैं ये अंजीर के दरख्त है ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये अंजीर का ये दाना है फल है हम इसको देखो कितना खूबसूरत है इसके अंदर अगर हम सुखा के इसको वो क्या कहते हैं वो परोते हैं उसमें धागे में तो फिर दुकानदार अपने ऊपर पंसारे की दुकान पर आते यही वो चीज़ है नाजरी आप देख रहे हैं ना ये देखिए मैंने तीन तोड़े अगर आप भूल चुके मैं इधर आ जाए कभी आजकल तो वैसे आना चाहिए आजकल तो फल बहुत बहुत लगा हुआ फल अभी आप ये तकरीबन कोई 15-20 दिन तक आप आ सकते हैं तो अंजीर खूब खा सकते हैं जिन लोगों का खून पुराने ना होता वो डॉक्टर के पास मत जाएं बॉर्डर के पास आएं और यहाँ अंजीर के पास आएं के पास आएं और ये देखिए लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं खूब खाएं और खून बढ़ाएं ताकत भी बढ़ाएं और मज़े भी लें खीम साहब तो ना गल करना चाहते ने खीम साहब दस्सियो ते फिर फायदे नाजरी आप देख रहे हैं ना ये दिखाओ जरा नाजरीन को ये अंजीर का हम तकरीबन हर हफ्ते इंशाल्लाह ताला इधर आते हैं ये और हम खूब मज़े ले खाते हैं प्लीज़ आप भी टाइम निकालें कुदरत के पास रहा करें थोड़ा सा आप कुदरत के पास रहेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे और आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे हकीम साहब ने फिर नाजरीन हम आपको बताएं ये जिसके आदमी काम है ये अब्दुल्ला क्या इसका जिक्र कितने कितने आता है ये भी दस इस अंजीर का जिक्र कुरान शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक भी है इसमें अंजीर खाने से इंसान का ताकत बढ़ती है पट्ठों से पट्ठे के जो कमज़ोर हैं उसको ताकत मिलती है आपका खून भी बढ़ता है और इसके अलावा आपको हर तरह की बीमारी से आप निजात भी हासिल कर सकते हैं आपका पेट भी अच्छा हो सकता है